नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जावा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज सॉफ्टवेयर बनाने और एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बनाने में होता है। जावा का ओरिजिनल नेम जेम्स कोसलिन के द्वारा ओक रखा गया था, जो उन्होंने ऑफिस के बाहर ओक का पेड़ देखकर रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम जावा रख दिया, जो कि एक कॉफी सीड है। जावा सी के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम देखेंगे कि जावा में आसानी से कोड कैसे लिखें। जो जावा में कोड लिखने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियल सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर हमें चाहिएंगे, जिसमें से एक है JDK जावा डेवलपमेंट किट और दूसरा है इंटेलिजे आइडिया, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ऐसे ही हम हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद हम गूगल पर डॉक्स जावा सर्च करेंगे। उसके बाद जो भी लिंक आएगा हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। लिंक के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर जावा SE टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करेंगे। लेकिन जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इस केस सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर अक्सर फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा है तो हमें बड़ा ही लिखना पड़ेगा। अगर हमने बड़े की जगह छोटा लिख दिया तो फिर वो कोड में प्रोग्राम के अंदर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद हम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करने के बाद जावा ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करेंगे, फिर लर्निंग दी जावा प्रोग्राम लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि जावा के 8 इंडेक्स बने हुए हैं। जब हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि बेसिक थ्योरी हमें बता रही है ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, पैकेज क्या होता है, जो हमारे आगे हम यूज करेंगे उसके बारे में ओवरव्यू दे रखा है। उसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज है एक, अगर ये भी हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आप हम आएंगे, सेकंड इंडेक्स पे लैंग्वेज बेसिक्स। इसके अंदर आपको बताएगा कि एरे क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, इफ एल्स की स्टेटमेंट क्या होती है, ये सब आपको लैंग्वेज एंड बेसिक्स में बताएंगे। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी, उन सब की आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको बताएगा कि क्लासेस कैसे बनाएं, उनके ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं और उनके ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करें। नेक्स्ट आ जाता है एनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है, जो कोड के अंदर लिख देते हैं कोड को समझने के लिए, लेकिन वो कोड के अंदर यूज नहीं होते, इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट नंबर एंड स्ट्रिंग, कि हम नंबर एंड स्ट्रिंग्स को कैसे यूज कर सकते हैं। जेनेरिक्स, जेनेरिक्स में हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई कोड में बग आ रहा है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। उसके बाद है पैकेज, कि हम कैसे जावा में उन ग्रुप ऑफ क्लासेस बना सकते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनका कैसे रिलेशन एक दूसरे से हम बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपको जावा के मोस्टली कोड याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप यहाँ से देख के हिंट लेके आगे अपने कोड बना सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि ये कोड कैसे रन होएगा, इसमें क्या दिक्कत है, तो मैंने एक आपके लिए चैनल देखा है हिंदी में ही, जो आपको जावा लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से आसान तरीके से एक वीडियो में बताएगा। वो चैनल है कोड विद हैरी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उन्होंने आपको जावा कोडिंग के नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको यूज़फुल लगी तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।